तो कुछ दिनों पहले मैं अपने मोबाइल में माइनक्राफ्ट खेल रहा था और उसमें मैं गोलम को मरते हुए देख देख के बोर हो चुका था। तो तभी मैंने अपने मेंटल पीस के लिए कहीं बाहर जाने का सोचा और मैंने अपने लिए एक प्लेन की टिकट बुक की। और रेस्ट इन पीस गोलम। तो जैसे ही मैं प्लेन में बैठा तो वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा चूचे कर रहे थे और पता नहीं एक लड़का आके मेरे बाजू में बैठ गया था, भाई सो गया था मेरे ऊपर। मैंने उसको उठाया पर वो लेट गया। तो उसके बाद पता नहीं अचानक से अपना प्लेन हिलने लगा। मैंने फटाफट से अपनी सीट बेल्ट पहनी और विंडो के बाहर देखा। बाहर तो पूरा प्लेन का इंजन गर्म होकर जल रहा था, पूरा प्लेन हिलने लगा था। मैंने उस बच्चे को उठाने की बहुत कोशिश की पर वो उठा ही नहीं। तो मैंने उसको पकड़ लिया और पता नहीं कहीं से अचानक से पूरा प्लेन का सामान मेरे ऊपर गिर गया। कुछ देर के बाद मेरी आँख खुली, मेरे को सब कुछ स्टेबल दिख रहा था। पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा पूरा आधा प्लेन उड़ चुका था, सिर्फ मैं बचा था क्योंकि मैंने सीट बेल्ट बांध रखी थी और वो बच्चा भी मर चुका था। और ऐसे ही मैं घबरा के बेहोश हो गया। तो उसके बाद जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं बहुत बड़े समुंदर के बीचों बीच गिरा हुआ था और पता नहीं कहाँ से मेरे पास एक हुक आ गया था और मेरे कपड़े गायब हो चुके थे, सिर्फ चड्डी बच गई थी। लगता कि ऊपर से नीचे आते हुए फोर्स के कारण सब कुछ उड़ गया। तो मेरे को सामने एक बैरल दिख रहा था तो मैंने उसको खींचा हुक की मदद से और मेरे को सामान मिल रहा था। और मैंने सोचा ऐसे ही हमको सर्वाइव करना पड़ेगा क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं थे। हमने डिस्कवरी चैनल पर बहुत ज़्यादा मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है तो बेयर ग्रिल्स हमारे गुरु थे। तो मैंने ऐसे ही सामान कलेक्ट करना शुरू कर दिया और करते गया। और फिर उसके बाद मेरे को लगा मेरे पास इतना सामान हो चुका है कि अपनी बोट, या फिर इसको बोट तो नहीं कह सकते, पर इस चीज़ को मैं और बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को और बड़ा किया पर मेरे को पानी की ज़रूरत थी। तो मैंने पानी के लिए पानी गर्म करके पीने की एक मशीन बनाई, फिर एक बाल्टी बना के उसमें पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया। तो कुछ देर के इंतज़ार के बाद अपना पानी गर्म हो चुका था और बहुत घंटों की मेहनत के बाद मैंने चैन से पानी पिया। तो मैंने और पानी अंदर गर्म होने के लिए रख दिया। पर हम लोग सिर्फ पानी पी के इस समुंदर में सर्वाइव करने वाले नहीं थे, हमको खाने की भी ज़रूरत थी। तो उसके लिए मेरे को खाना कच्चा तो नहीं खा सकते, तो उसके लिए मेरे को एक बर्नर बनाना था। तो उसके लिए मैं रिसोर्सेज कलेक्ट करने लगा। तो कुछ देर मेहनत करके मैंने बर्नर तो बना लिया, पर इस वीरान सी में तो इस सी में हमको ऐसे ही तो खाना मिलने वाला नहीं था। हमको चाहिए थी फिशिंग रॉड, पर फिशिंग रॉड बनाने के लिए भी हमारे पास पूरा सामान नहीं था। तो मेरे को फिर से मेहनत करनी पड़ी और मैंने और ज़्यादा सामान कलेक्ट किया। बहुत देर मेहनत करने के बाद मैंने अपनी पहली फ़िशिंग रॉड बनाई और उससे मछली पकड़ने लगा। पर मछली पकड़ने में बहुत देर लग रही थी और कोई मछली आ नहीं रही थी। फिर भी मैंने वेट किया और फाइनली आधे घंटे के बाद एक फ़िश आई। फिर उसके साथ दो तीन घंटे तक खींचतानी करने के बाद फाइनली मैंने उसको पकड़ लिया, फिर चलाने के लिए रख लिया। उसके बाद मैं फिर से मजदूरी करने लगा, पर पता नहीं किधर से अचानक से एक शार्क बाहर निकल गई, जिसको देखकर अपना एक्साइटेड हो गया क्योंकि हम इसको भी मार के खा सकते हैं। पर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की पर वो नहीं आ रही थी और वो मेरे को मार भी नहीं रही थी। तो मैं अपना काम करने लग गया और थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक भाले की रेसिपी अनलॉक हुई और मैंने भाला बनाया। शायद से हम इससे शार्क को मार सकते हैं, पर इससे हम सांप को कैसे मारेंगे भाई, वो तो पानी में तीर कमान दे देते। और इधर फिश भी पक गई थी तो मैंने भूख लगी थी तो खा ली। फिर से मजदूरी चालू। तो थोड़ी देर मजदूरी करने के बाद मेरे पास इतना सामान तो हो चुका था कि मैं अपने बेस को बड़ा कर सकूं, पर इतना सामान भी नहीं था कि ज़्यादा बड़ा कर सकूं। तो मेरे को फिर से मजदूरी करनी पड़ी। तो मजदूरी करते करते रात हो चुकी थी और अचानक से इस शार्क ने हमारे पर हमला कर दिया। तो हम भी बेयर ग्रिल्स के शिष्य थे, हमने अपना भाला निकाला और फोड़ दी इसकी आँख। इतनी फोड़ी कि वो भाग गई। और रात भी हो चुकी थी तो उसके लिए हमको
डर भी लग रहा था। और फिर मैंने अपने बेस को बड़ा करने का सोचा और मैंने अपने बेस को बड़ा किया। अब हम दूर से आते हुए चीज़ को भी ज़्यादा आसानी से ले सकते थे और अपने सीख को साफ कर सकते थे भाई। सिर्फ मिस्टर बीस नहीं, हम भी साफ करते सीख को। फिर मैंने अपने घर की पहली वॉल का उद्घाटन किया और वहाँ पर टॉर्च लगाई, पर टॉर्च को जलाने के लिए मेरे को फिश का ऑयल चाहिए था। फिर मैंने फिशिंग की और 1 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मेरे को फिश मिल गई और उसको पकाने के लिए रख दिया और उसमें से उसका तेल निकाला और हमारी टॉर्च चल चुकी थी उसके साथ। पर पूरे दिन मेहनत करने के बाद अब मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने पकी फिश को पकाया और उसको खाया। फिर हमारे पास पानी भी था गर्मा गर्म, उसको पिया और मज़ा आ गया। आहा। और इस वीडियो को यहीं पर रोकने का सोचा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और आपको कुछ दिखता नहीं इसमें, और इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग सब्सक्राइब और लाइक करके जाएंगे, नहीं तो आपके घर शाक भेजनी पड़ेगी मेरे को। लाइक कर दो। पीस।